दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोरखपुर के राजनीति विज्ञान विभाग द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के पूर्व संध्या पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिकता विषय पर विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे गोरखपुर विश्वविद्यालय के राजनीतिक विभाग के सहायक आचार्य डॉक्टर अमित कुमार उपाध्याय ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि यह स्वदेशी सामाजिक आर्थिक मॉडल प्रस्तुत करता है जिसके केंद्र में मानव है। एकात्म मानव दर्शन का उद्देश्य व्यक्ति एवं समाज की आवश्यकता को संतुलित करते हुए प्रत्येक मानव को गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करना है और समाज के निचले स्तर पर स्थित व्यक्ति के जीवन में सुधार करना है। वर्तमान समय में केंद्र एवं राज्य सरकारें उनके विचारों को केंद्र में रखकर कार्य कर रही हैं। अनेक लोक कल्याणकारी योजनाओं एवं उनके विचारों से प्रेरित और उनके दर्शन के महत्व को बताती हैं। इस अवसर पर दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय की डॉक्टर प्रियंका सिंह, इंद्रेश कुमार, डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह, डॉक्टर अखिलेश कुमार श्रीवास्तव, डॉक्टर आरपी यादव, डॉक्टर पवन कुमार पांडे, डॉक्टर शुभ्रांशु सिंह, राकेश कुमार, अंकित पांडे सहित छात्र व छात्राएं उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर ओपी सिंह ने कहा, समाज को प्राथमिकता दिया है, यद्यपि समाज व्यक्तियों से बना हुआ है, अंतोदय की चर्चा करते हैं, तो इस प्रकार से देखा जाए कि जो एकांत मानववाद है उनमें वननेस का बोध नहीं होता है, उसमें कई फीलिंग ऑफ लव नहीं होता है, वो सिर्फ राष्ट्र का मतलब यह है कि राष्ट्रवाद जो है वो राष्ट्र के प्रति समर्पण, लेकिन कहीं उसमें फीलिंग ऑफ लव, फीलिंग ऑफ अफेक्शन, ये कहीं उसमें चर्चा नहीं होती। लेकिन दीनदयाल का ये मानना है कि हमें अपने विचारों से पूरे राष्ट्र के लिए आपस में मेलजोल बढ़ाकर सभी को एक समझकर समानता के आधार पर बिना किसी भेदभाव के अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण अपने हृदय से अगर हम करते हैं तो यही राष्ट्रवाद है। और इसी को चित्त शब्द से उन्होंने उद्बोधन, जो चित्त का कॉन्सेप्ट है, जो कहा गया है कि पूर्ण मद पूर्ण मिलम पूर्णार्थ पूर्ण पंचायते पूर्णश्य पूर्ण मदाय पूर्णमेव वशिष्यते, अर्थात चारों पुरुषार्थ देख रहे और चारों पुरुषार्थ से चित्त का निर्माण होता है और उस चित्त के कारण ही, चित्त के कारण ही राष्ट्र का निर्माण होता है। तो आप देखिए कैसे एकात्म मानववाद का कॉन्सेप्ट दीनदयाल जी कहां से, यानी सोल बॉडी माइंड इंटेलेक्ट चार जो तत्व होते हैं उनमें एक रूपता स्थापित करते हुए सभी व्यक्तियों को एक बताया, उनमें किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, चाहे वो किसी धर्म का हो किसी जाति का हो, सभी एक है क्योंकि सभी में सोल कॉमन होता है, प्लेटो की तरह से सोल को डिफ्रेंशिएट नहीं किया उन्होंने, और उसी के आधार पर चार पुरुषार्थों की चर्चा की, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और बताया कि जो भारतीय संस्कृति है वो धर्म और मोक्ष पर मूलतः जोर देती है, इसी के आधार पर राष्ट्रवाद की बात करते हैं कि हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं फीलिंग ऑफ लव, यानी हम आपस में एक हैं, हम सभी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, हमारे बीच कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है, कोई हमारे बीच कोई भेदभाव नहीं है, और इस प्रकार से जब राष्ट्र के प्रति स्वतः प्रेरित समर्पण या प्रेम उत्पन्न होता है तब आप राष्ट्रवादी होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा महाविद्यालय एक उत्सव धर्मी महाविद्यालय है, इसमें विशिष्ट व्याख्यान सेमिनार और इस प्रकार के एकेडमिक क्रियाकलाप चलते रहते हैं। कल एक ऐसे महामानव की जन्म जयंती है जिनके विचारों के आधार पर आज देश के विभिन्न राज्यों में और केंद्र में सरकार चल रही है। एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय, कल रविवार होने की वजह से आज उनके जयंती की पूर्व संध्या पर एक विशिष्ट व्याख्यान का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रोफेसर अमित उपाध्याय जी, दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर के राजनीति विज्ञान के प्राध्यापक हैं, और डॉक्टर के पाठक जी, ये दो लोग हमारे बीच विशिष्ट व्याख्याता हैं जिनके विचारों को हमारे विद्यार्थी सुन रहे हैं और लाभान्वित हो रहे हैं।